चैनल के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, हम आपके लिए हर वीक कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए। लेकिन आजकल मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, आपको सबको पता है, और बहुत से इन्वेस्टर जिनको इन्वेस्टमेंट करना है या जिनका पोर्टफोलियो है और जिनका पोर्टफोलियो भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, और अगर उनका पोर्टफोलियो है तो उस टाइम में कैसे उनको रिएक्ट करना चाहिए। बहुत लोग डरे होते हैं और पैनिक में बहुत ज्यादा गलतियां भी कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि ग्रो की तरफ से आज हम एक लाइव सेशन करें जिसमें हम आपसे पूछें कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो हम ट्राई करते हैं कि आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई हम वहां पे हम कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई में करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर लाइव सेशन में आप हमसे क्वेश्चन पूछें तो बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपके आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ ग्रो से हिमांशु भी मेरे साथ हैं जो आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों का आंसर करने का ट्राई करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्टिंग में आपको आंसर करने से पहले बोलना चाहूंगा, कोई भी आपके दिमाग में कैसा भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज हमसे एडवाइस मत मांगिएगा कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं पे भी किसी भी वीडियो में कुछ भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। लेकिन हाँ, आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप फंडामेंटल कैसे गेन कर सकते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी एडवाइस मत मांगिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अशोक लीलैंड वर्सेस टाटा मोटर्स, तो ऐसे वीडियोस हमने बहुत बार किए हैं जहां पे हमने दो कंपनीज को कंपेयर किया है। तो यहाँ पे जैसे एक व्यूअर ने पूछा है जिनका नाम है सत्यानिस्त, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि अशोक लीलैंड वर्सेस टाटा मोटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर सत्या सोच रहे हैं तो उनका मेन फोकस अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, क्योंकि वो उन दोनों कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने एक टाइम पे सोच लिया कि आपको एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अब उन्होंने पूछा है कि अशोक लीलैंड और दूसरी साइड टाटा मोटर्स। तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये दोनों कंपनीज का अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर मैं अशोक लीलैंड की बात करूं तो वो ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल हैवी व्हीकल्स के ऊपर कंसंट्रेट करता है। वहीं पे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी है, बसीज में भी अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। इसके अलावा इनका बहुत बड़ा सेगमेंट है जैगवार एंड लैंड रोवर, जो कि फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करता है। तो उनका बहुत सारा जो रेवेन्यू होता है, जो प्रॉफिट होता है, वहां से भी निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको अपना थोड़ा रिस्क देखना चाहिए और उसके बाद इनके थोड़ा फंडामेंटल्स में जाके देख सकते हो, इनका रेवेन्यूज को कंपेयर कर सकते हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देख सकते हो। इन सबके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से अच्छी कंपनी कौन सी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका देखने का व्यू ऐसा होना चाहिए, पहले इंडस्ट्री, फिर कंपनीज, फिर उनका बिजनेस मॉडल, और उसके बाद फाइनेंशियल्स। तो इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स शेयर्स डायरेक्टली विदाउट म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रमोद ने। तो प्रमोद पूछ रहे हैं कि इंडेक्स शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बट उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जैसे कि आपको पता है कि इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, जहां पे एक बंच होता है वो इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज को मिला के बनता है और अलग अलग रेशो में बनता है, और उनकी जो रेशो डिसाइड होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड होती है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तरीका, जैसे कि उनके क्वेश्चन में ही है, आपकी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी भी ब्रोकर के पास जाके आपको अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे कि ग्रो का स्टॉक्स आ रहा है तो ऐसे आपको कहीं पर अकाउंट खोल के वहां पे आप ETF का सर्च करके वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इंडेक्स ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि ETF लिक्विड जो ETF इंडेक्स फंड्स होते हैं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका लिक्विडिटी कैसा है। लिक्विडिटी की बात करूं तो इनफ बायर और सेलर है वहां पे कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर आप बाय कर लेंगे कभी ना कभी तो आपको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश का। मुकेश ने पूछा है कि वाई SBI क्लोज्ड SBI गोल्ड फंड। अब क्या होता है कि SBI गोल्ड फंड वो है जो SBI जो गोल्ड के इंडेक्स पे इन्वेस्ट करता है,
तो उसमें जिसमें गोल्ड एक अंडरलाइंग एसेट है, तो ट्रांसपोर्टेशनल इश्यूज के कारण, लॉकडाउन के कारण वो फिजिकल गोल्ड नहीं कंज्यूम, मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद पा रहे, जिसके कारण वो फंड अभी बंद कर रखे हैं फॉर द टाइमिंग ऑपरेशनल रीजंस के कारण के लिए। तो हिमांशु एक और क्वेश्चन हमारा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आया है कि व्हाट इज XIRR, तो आप उसका थोड़ा समझाओगे यूजर को व्हाट इज XIRR। तो दोस्तों, तो हमें हर समय ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या CAGR देखें कि XIRR देखें। अब CAGR हम उस पर देखते हैं जब हम कोई पास्ट कोई 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 फंड की पास्ट परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। अब XIRR क्या होता है कि हम कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें उस फंड ने हमें कितना रिटर्न दिया है। अब XIRR क्यों लेना चाहिए? अब हम SIP कर रहे हैं कि लमसम कर रहे हैं, बट हमारे SIP में क्या होता है कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और मल्टीपल रिडेम्पशंस हो सकते हैं। तो हर एक एक इन्वेस्टमेंट और एक एक रिडेम्पशंस के बाद हमारे को उस फंड पे या उस फंड पे कितनी नेट रिटर्न्स मिली वो बताता है XIRR। जगदीप नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि निफ्टी नीचे जाएगा, तो दोस्तों ये फिर से टाइमिंग वाली बात हो जाती है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनी को देख के करते हो, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी केस में। मैक्रो जैसे कि आपको भी पता है कि विदेश में क्या हो रहा है, कोई बीमारी चल रही है जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट नीचे आ जाती है, जिसके चलते भी निफ्टी नीचे है। और एक टाइम पे निफ्टी इससे भी नीचे गया था, 7800 के अराउंड टच किया था, उसके बाद वापस पुल बैक आया। इससे नीचे जाएगी नहीं नीचे जाएगी उस पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी को देख के करनी चाहिए। और मुझे पक्का पता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ एक दो सेक्टर्स को निकाल दूं, तो सभी कंपनीज आपको अपने पीक लेवल से बहुत नीचे मिल रही होंगी। तो अगर आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है तो आपको निफ्टी का नीचे ऊपर जाने का वेट नहीं करना चाहिए। आज इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट डे होता है, जैसे कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट डे कल था। तो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आपने मिस कर दी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है अभी से इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप ये वेट मत कीजिए कि निफ्टी ऊपर या नीचे कब जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है तो छोटे छोटे चंक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है तो कल को 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, परसों को फिर को 10, कल को 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कीजिए, नेक्स्ट डे फिर से 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसे करते करते इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो अगर निफ्टी नीचे भी जाएगा तो आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर भी चला जाता है तो आपने कम प्राइस पे थोड़ी सी बाइंग कर ली तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमांशु एक क्वेश्चन हो गया क्या, सौरभ दीक्षित ने पूछा है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। एक क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में था, मैं वो बताता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो कंपनी की कोई ट्रू वैल्यू होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है उसको लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम इन्फ्लेट करते हैं, उसके फ्यूचर कैश फ्लो, उसके फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, जिसके लिए हम कोई एक परसेंटेज ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं उस कंपनी के लिए। उसके बाद हम उस फ्यूचर कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करते हैं करेंट वैल्यू पे और नेक्स्ट 5 साल पे कितना होना चाहिए। तो हम जो डिस्काउंट करते हैं वो डिस्काउंटिंग वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए? अब बट डिस्काउंटिंग वैल्यू हम वो ले सकते हैं जो कि हमारे लिए सबसे मिनिमल रेट ऑफ रिटर्न और सेफ रेट ऑफ रिटर्न होती है, जो कि ट्रेजरी बिल होती है 1 साल की। अब जैसे वो वैल्यू निकल जाती है हमें सम करना चाहिए कि हम 4 साल के वैल्यू उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, तो वो 4 साल के डिस्काउंटेड कैश फ्लो को सम करना चाहिए। उसके बाद हमें उसके बाद उस कंपनी की टर्मिनल वैल्यू निकालनी चाहिए, जिस टर्मिनल वैल्यू और डिस्काउंटेड टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को ऐड करने के बाद हमें उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलती है। अब हमारे दिमाग में ये डिलेमा आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम है तो उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है मार्केट प्राइस के शेयर की मार्केट प्राइस ज्यादा उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर जब इंट्रिंसिक वैल्यू कम है मार्केट प्राइस से, इसका मतलब कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, वो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। अगर जिसकी मार्केट प्राइस ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो उसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ठीक है हिमांशु, थैंक यू। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा था कि HDFC बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा निकल के आया है, जो अभी कल ही न्यूज में आया था। तो दोस्तों अगर मैं HDFC बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो थोड़ा मैं नंबर्स की बात करता हूं कि HDFC बैंक ने अपना जो ईयर ऑन ईयर जो होता है ग्रोथ इन एडवांसेस में होता है कि कितना पैसा दिया है,
उसमें ग्रोथ रजिस्टर किया अराउंड 21% का, और उनका जो रेवेन्यू था उसमें भी ग्रोथ निकल के आया है 20% के आसपास। इसके अलावा जो है और एक अच्छी बात थी कि उनका जो बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका एनपीए कितना है, तो एनपीए उनका कॉन्स्टेंट रहा है बल्कि थोड़ा अच्छा इंप्रूव किया है। लेकिन अगर हमें और ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाना है तो आप जाके थोड़ा डिटेल में उसका एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो पूरा टाइम शायद उसी में निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्वार्टरली रिजल्ट आप किसी बैंक का कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उनका टॉप लाइन, उनका रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हुआ है। सेकंड, इसके बाद आप देख सकते हैं कि उनका एनपीए कैसा रहा है। एनपीए जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि अगर बैंक ने अपना पैसा कहीं पे दिया था उसको वापस मिला कि नहीं मिला। और आपको ध्यान देना चाहिए कि बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक का एनपीए बढ़ता है तो मतलब उनका पैसा वापस आने में प्रॉब्लम होगा। तो एनपीए देखने के बाद आप एक और रेशो देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कासा रेशो, जो हमें बताती है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। आपको पता है कि बैंक का जो पूरा बिजनेस मॉडल होता है वो पैसे पे आता है, कि उनके पास पैसा आएगा वो पैसा आगे लेंड करेंगे, लेकिन वो पैसा उनको कितनी इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा वो डिपेंड करता है कि किस सोर्स से पैसा आता है। तो अगर उनको पैसा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से आता है तो उनको जो पैसा आता है वो थोड़ा कम दाम में मिलता है, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में बैंक को सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ज्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। अभी तक HDFC बैंक की कासा रेशो काफी हेल्दी है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी बैंक्स के साथ, और इस क्वार्टरली रिजल्ट में जाके भी कासा रेशो को जरूर से देख लें। तो हिमांशु, एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आंसर करता हूँ। तो दोस्तों, अभी के सिनेरियो में क्या है कि हमने कुछ महीनों पहले भी रिपीटेड डिफॉल्ट्स देखे हैं। अब उसके कारण क्या है कि बॉन्ड मार्केट में हम बहुत से फंड को देखे हैं जिसकी NAV टूटी थी, तो उसके कारण अगर हमें थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है 6 महीना साल भर तक, तो लिक्विड फंड आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वो जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जिस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी मेच्योरिटी बहुत कम होती है, लेस देन 90 डेज होती है, जिसके कारण वो रिलेटिवली सेफर होते हैं एज कम्पेयर टू अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड या शॉर्ट बॉन्ड फंड्स। और एक और फंड होता है ओवरनाइट फंड, जो कि वो भी सेफर फंड होता है, जिसमें रिस्क बहुत कम होती है, और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन बॉन्ड्स में जिनकी मैच्योरिटी लेस अराउंड 24 आवर्स या 2-3 दिन की भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मनोज राजपुरोहित ने, कि हम एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी, अब जब भी आप शेयर खरीदते हो तो बहुत लोग जो मिसकंसेप्शन में आते हैं वो ये होता है कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। तो दोस्तों, हर कंपनी का जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उसके बिजनेस को देख के शेयर खरीदते हैं कि उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में, और वो कंपनी बताती है अपने एनुअल रिपोर्ट में कि उनका बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया पिछले 1 साल में। तो एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है एक मैनेजमेंट कमेंट्री। तो मैनेजमेंट कमेंट्री में आपको देखने को मिलता है जिसमें मैनेजमेंट बताती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, तो आपको बहुत डिटेल में जाके मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़नी चाहिए। उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला है कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, की रिस्क क्या है कंपनी के, इसके अलावा कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या है। इन सब चीजों को देखने के बाद आप एनुअल रिपोर्ट में आपको जो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, फाइनेंशियल डेटा देखना चाहिए। अगर मैं फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो फाइनेंशियल डेटा में आपको देखना चाहिए कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है आपको उसका ब्रेकअप देखना चाहिए कि कौन से उनके सेगमेंट से कितना रेवेन्यू निकल के आता है, क्योंकि कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में बहुत क्लियरली स्टेट करती है। मान लो कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020 का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 19 का एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी बताएगी कि फाइनेंशियल ईयर 20 में उनको कहां पे ज्यादा टारगेट करना है। तो अगर आपको क्वालिटी देखनी है फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो फाइनेंशियल ईयर 19 में जाके आपको उनके टारगेट देखने चाहिए, और उनके बाद मैच करना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 20 में उन्होंने अपने टारगेट्स को मीट कि नहीं किया। हो सकता है कि 10 ग्रोथ अच्छी है, अच्छी वो आपको पता चले टारगेट के हिसाब से। रिपोर्ट वैसे तो लंबी होती है, लेकिन मेन चीजें देखने वाली होती है मैनेजमेंट कमेंट्री, कंपनी एक्सपेंसेस, कंपनी की शेयर होल्डिंग, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो। ये सब चीजें अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपने एनुअल रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ओके, आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक सोहेल अहमद ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस सीख के हम स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते
सकते हैं या हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये दोनों एनालिसिस में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये फर्क होता है आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेके। अब मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की अगले 10 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, अगले 15 साल के लिए। तो यहाँ पे जब आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंकली आपके किसी काम में नहीं आएगा जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूं तो आप कंपनी का बिजनेस देख के एक लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, बट वहीं पे अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस मेनली उनके लिए होता है जो लोग ट्रेडर होते हैं, जिनको एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको बेसिकली ट्रेड करना होता है कि आज प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो जब भी ट्रेडर्स की बात करते हैं तो उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत से हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे वॉरेन बफेट, राधा कृष्ण दमानी, इंडिया में राकेश झुंझुनवाला। इसके अलावा बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके, एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा, बट अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। हेलो हिमांशु, सो एक क्वेश्चन था, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्सेस थ्रू ए फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों फंड ऑफ फंड वो होता है जो वो डिफरेंट फंड्स पे इन्वेस्ट करता है, ना कि वो इंडेक्सेस पे इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एक फंड ऑफ फंड है जो कि दूसरे एक फंड ऑफ फंड है जो कि वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करता है। अब इंडेक्सेस क्या होता है कि वो डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं कि जो डिफरेंट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि फंड ऑफ फंड पे आप इंडिविजुअल अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो, उसके ऊपर उस फंड ऑफ फंड का भी एक्सपेंस होता है वो पे कर रहे हो। बट इंडेक्सेस में या इंडेक्सेस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप उस इंडेक्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ETFs पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके कारण कि आपके पास वैरायटी ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स पे एक्सपोजर मिल रहा है, जिससे कि आपकी एक्सपेंस रेशियो भी कम होती है। ठीक है मांशु, तो मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड फंड्स वर्सेस ETFs। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत अलग अलग चीजों को कंपेयर करने की बात कर रहे हो। लिक्विड फंड क्या होते हैं, जैसे कि हिमांशु ने आपको पहले भी बताया था, लिक्विड फंड जो बहुत कम टाइम के लिए आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे जो आपकी रिटर्न होती है थोड़ी सेफ होती है और थोड़ी कम भी होती है। वहीं पे जो ETF होते हैं, तो ETF आपके नॉर्मली मार्केट में ट्रेड करते हैं और वहां पे आपका रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और वहां पे आपकी रिटर्न भी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो इन दोनों चीजों को कंपेयर करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होगा, बट आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। लिक्विड फंड डेट कैटेगरी से आते हैं, ETF मेनली अलग अलग चीजों को टारगेट करने के लिए आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वन सेकेंड, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी कंपनीज और स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा मूव होता है अगर क्रूड प्राइसेस चेंज होते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं जिन इंपैक्ट करता है मैक्रो लेवल की अगर मैं बात करूं कैसे इंपैक्ट करता है, तो मैक्रो लेवल पे सबको इंपैक्ट करता है। कैसे? तो जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट के डेज में क्रूड का प्राइस नीचे गया था, लेकिन हमेशा ऐसा माना जाता था कि जब भी क्रूड का प्राइस नीचे जाता है तो हमारी मार्केट ऊपर को जाती है, क्योंकि हमारी बहुत सी कंपनीज हैं जहां पे क्रूड रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है और नॉर्मली हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज का कॉस्ट कम होता है। लेकिन रिसेंट के डेज में क्रूड के नीचे जाने से हमारी मार्केट भी नीचे गई थी, ऐसा क्यों हुआ था? तो दोस्तों क्रूड जो होता है, तो क्रूड जब नीचे गया तो रीजन क्या था कि इसकी डिमांड बहुत कम हो गई। तो जब इसकी डिमांड कम हो गई तो इन्वेस्टर्स को लगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से जिसका प्रोडक्शन है उसका लेवल सेम है लेकिन इसकी डिमांड कम हुई है, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया। और जब इसका प्राइस नीचे गया तो अमेरिकन मार्केट डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे से
तो जिसकी वजह से जब ये नीचे गया तो डाउ जोन्स नेगेटिव में चला गया बिकॉज उसने एज ए नेगेटिव लिया, और जब अमेरिकन मार्केट नेगेटिव में गई तो इंडियन मार्केट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट हुई। तो एक तो इसका मैक्रो तरीके से इंपैक्ट पड़ता है हमारी कंपनीज पे, और दूसरा कुछ हमारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको फंडामेंटली क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करूं तो वो है पेंट इंडस्ट्री। अगर हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पेंट इंडस्ट्री में क्रूड एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो जब भी क्रूड का प्राइस कम होता है तो पेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होते हैं उसका प्राइस कम हो जाता है, तो पेंट इंडस्ट्रीज का जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री का जो बहुत सारा जो खर्चा होता है, जो उनका कॉस्ट होता है, वो उनका क्रूड से निकल के आता है, उनका ऑयल से निकल के आता है, तो जब क्रूड का प्राइस कम होता है तो उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं क्रूड यूज होता है, रिलायंस को भी क्रूड का प्राइस इंपैक्ट करता है। तो ऐसे करके अगर हम एक एक कंपनी का नाम लेने लगे तो बहुत बड़ी लिस्ट निकल के आएगी जिनको क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें तो आप बहुत क्लियर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी को क्रूड कैसे और क्या किस वे से इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों एक प्रश्न था कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्टिव फंड वो होते हैं जिस पे फंड मैनेजर एक्टिवली बाय एंड सेल करता है एज पर द प्रीरिक्विजिट्स एज पर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द फंड। अब पैसिव फंड वो होता है जो कि कोई इंडेक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड हो गए काइंड ऑफ पैसिव फंड। उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसी के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक्टिव और पैसिव फंड में बेसिकली ये डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन लेता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, डिलीवरी और पोजीशन ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है और दोनों का क्या क्या मीनिंग है। तो दोस्तों डिलीवरी और पोजीशन ट्रेडिंग, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक्स के ऑपरेशंस के बारे में समझाना चाहता हूं कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर क्या सोचते हैं, आपने आज बाय किया तो क्या शेयर आपके पास आ गया। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जब भी आप शेयर बाय करते थे तो उसके लिए आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, उसके ऊपर लिखा होता था कि आपको कौन सी कंपनी के कितने शेयर मिले। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वे में सब चीजें मूव होनी स्टार्ट हुई तो हमारे डीमैट अकाउंट आ गए। तो डीमैट अकाउंट आने से क्या हुआ कि जब भी आप कोई शेयर बाय करते हो वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी का मतलब क्या है कि आपने अगर आज एक शेयर खरीदा वो दो दिन बाद उसका सेटलमेंट होगा और दो दिन बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने आज एक शेयर को खरीदा सेम डे उसको सेल कर दिया तो आपने पोजीशन ट्रेडिंग किया। तो जो आप सेम डे बाय करके सेल करते हो वो आपका पोजीशंस बोला जाता है नॉर्मली इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप उसको अपने डीमैट अकाउंट में लेते हो तो उसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आपने डिलीवरी लिया। तो डिलीवरी लेने के बाद वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, उसके बाद जब भी आप बेचते हो तो आपके डीमैट अकाउंट से चला जाता है। लेकिन अगर आप सेम डे बाय करते हो सेम डे सेल कर देते हो तो वो पोजीशन के रूप में कट जाता है। और ऐसा ही बीटीएसटी के केस में भी होता है। बीटीएसटी का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, बाय टुडे सेल टुमारो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेक्टर एनालिसिस। दोस्तों सेक्टर एनालिसिस कैसे करना चाहिए, सेक्टर एनालिसिस अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं कि सेक्टर एनालिसिस कैसे, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि मान लो कि मुझे सेक्टर एनालिसिस करना है एविएशन इंडस्ट्री का। तो सेक्टर एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्टर के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। अगर मैं एविएशन इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो वहां पे कुछ कंपनीज हैं जो एविएशन में जो फ्लाइट ऑपरेट करती हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में, उनका जो कोर बिजनेस होता है जितना ज्यादा उनका प्लेन भरा होगा, जितना ज्यादा लोग उसमें बैठे होंगे उतना अच्छे से उनका एफिशिएंसी होगी, जितना ज्यादा वो टाइम से चलेंगे उतना अच्छा उनका बिजनेस होगा। उसका रॉ मटेरियल क्या है, उस इंडस्ट्री में मेन खर्चा कहाँ से आता है, उनका खर्चा आता है उनके एम्प्लॉय कॉस्ट से। एक बहुत बड़ा खर्चा आता है जो बड़े बड़े प्लेन्स खरीदते हैं उसको लीज पे लेते हैं, तो उनका मेन खर्चा वहां से निकल के आता है। इसके अलावा जो उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप खुद से सोचेंगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि जहाज में अगर आप तो बैठे होंगे बहुत बार, तो उनका रेवेन्यू कहाँ से निकल के आता है। आप टिकट बुक करवाते हैं वहां से उनका रेवेन्यू आता है, अगर कोई टिकट बुक करवा के कैंसिल करवा देता है तो कैंसिलेशन चार्जेस से एक अच्छा रेवेन्यू निकल के आता है एविएशन इंडस्ट्री का। इसके बाद अगर आप फ्लाइट में बैठ गए और आप अगर आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाते हैं तो रास्ते में कुछ भी अगर आप खाने पीने का सामान लेते हैं तो वहां से भी उनका रेवेन्यू निकल के आता है। तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसे आपको एक सेक्टर के बारे में देखना चाहिए, एक पूरा सेक्टर पकड़े, उसका प्रॉफिट देखे कहाँ से आता है, उसके खर्चे देखे कहाँ से आता है, तो ऐसे आप उसके बिजनेस मॉडल को पकड़ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आता हूँ फाइनेंशियल चीज पे कि उस
कि फाइनेंशियल मॉडल में आपको कैसे एक सेक्टर को एनालाइज करना है, तो कुछ फाइनेंशियल चीजें होती है जिनको आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि आप पीई रेशो देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि इंडस्ट्री में एवरेज पीई रेशो कितनी है। तो अगर वहां पे अगर आपके पास तीन या चार ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो जिसकी पीई रेशो कम है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक और रेशो देख सकते हो, पीबी रेशो, बिकॉज जब भी आप पीई या पीबी रेशो देखते हो तो आपको अक्रॉस इंडस्ट्री देखना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपको इंडस्ट्री में और भी स्टॉक्स को कंपेयर करना है, आप डेट इक्विटी रेशियो देख सकते हो। तो ऐसे करके पहले आपको सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको फाइनेंशियल पैरामीटर देख के वहां पे जाके आप एक कंपनी चूज कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, कि पहले ऊपर फिर आप अंदर जाके कंपनी को चूज करें। दोस्तों एक क्वेश्चन कृष्णकांत ने पूछा है कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वर्सेस एसएनपी 500 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वो होता है जो इंडिया, निफ्टी 50 इंडेक्स वो होता है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज पे इन्वेस्ट करता है, और एसएनपी 500 वो इंडेक्स है जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज पे इंडेक्स करता है। अब यूएस की टॉप 500 कंपनीज जैसे अमेजन हो गई, एप्पल हो गया, अल्फाबेट हो गई, 3M हो गई, अकमाई हो गई, तो इन सब कंपनी का आपको एक्सपोजर मिलता है। ये है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन निफ्टी 50 और एसएनपी 500 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एसबीआई कार्ड्स केम डाउन। तो दोस्तों एसबीआई कार्ड्स क्यों है, तो इसका अगर हम एग्जैक्ट रीजन के बारे में जाएं तो कोई भी आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकता। लेकिन जब भी अभी आईपीओ रिसेंट के टाइम में 2-3 आईपीओ आए थे, जिसको देख के बहुत सारे लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको लगता था कि आईपीओ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले दिन उनको 20-30% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में हर बार वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही एसबीआई कार्ड्स के केस में हुआ। तो आईपीओ जब भी आते हैं तो आईपीओ आने के बाद बहुत सारा जो उसके ऊपर एप्रिसिएशन होता है प्राइस ऊपर नीचे जाने का, वो परसेप्शन पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक कंपनी लिस्ट होके अपना ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती, उसका फाइनेंशियल पुराना उतना इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता, तो फाइनेंशियली फंडामेंटली आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए परसेप्शन बेस्ड उसका प्राइस बहुत मूवमेंट होता है। तो वैसे ही एसबीआई कार्ड्स के केस में था, तो बहुत लोग उस केस में सोच रहे थे कि पहले दिन वो प्राइस 1000 पे चला जाएगा। लेकिन मैक्रो लेवल में कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से पूरी मार्केट नीचे को आना स्टार्ट हुई, और ये स्टॉक जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन उसी प्राइस पे लिस्ट हुआ, तो जहां से थोड़ा ना थोड़ा परसेप्शन प्रॉब्लम लोगों के बीच में आने लगा और शेयर थोड़ा सा नीचे को जाने लगा। लेकिन एक बार जब तक इसका क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से रिस्टार्ट नहीं होगी, तो लोगों का क्रेडिट कार्ड यूज करने का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गया होगा, जिसके चलते लोगों ने थोड़ा ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा परसेप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा वेट करके एक बार देख लीजिए कि इसका बिजनेस कैसा है, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू इन्वेस्ट इन फॉरेन स्टॉक्स। तो दोस्तों अगर आपको फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो ऐसे म्यूचुअल फंड है, आपको पता होगा म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, अगर वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप वैसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। आप ग्रो पे जाके भी देख सकते हैं कि ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड है जो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके थ्रू आप अगर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन स्टॉक्स में। अगर वो स्टॉक ऊपर जाएंगे तो इनका एनएवी ऊपर जाएगा, आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। अगर वो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। Himanshu, can you take one question? So, दोस्तों एक question हमसे पूछा गया है, is this the right time to invest a lump sum in pharma or FMCG funds? तो दोस्तों one second.
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम ऐसे बात करें कि आपको एफएमसीजी या फार्मा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हो. तो जब भी आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हो, तो ये थोड़े से रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड. अगर मैं रिस्की की बात करूं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, हर सेक्टर में एक साइकिल होता है. कभी वो सेक्टर ऊपर जाता है, कभी वो सेक्टर नीचे आता है. जैसे कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, अभी वो डाउन टर्न में था बहुत टाइम से. तो अगर किसी ने उसके पीक में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो उसको अभी नेगेटिव रिटर्न मिल रही होती. तो इसलिए नॉर्मली बोला जाता है कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज वाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. वहां पे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपको पक्का पता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो आपको पर्सनल रिस्क देख के उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना. क्योंकि कोई भी आपको हार्ड रूल नहीं बता सकता कि अभी एफएमसीजी अच्छा है या अभी फार्मा अच्छा है. क्योंकि फार्मा के बारे में परसेप्शन थोड़ा सा अच्छा था, ये एज अ डिफेंसिव सेक्टर निकल के आया था. जब पूरा इंडेक्स नीचे को जा रहा था, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, इसको गेस करना, स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है. इसके अलावा अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपना पर्सनल रिस्क देखिए, थोड़ा डिटेल में देखिए कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में. अब मान लो कि कोरोना वायरस चला जाता है, सब कुछ वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है जैसे पहले था, तो इन कंपनीज के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, इन सेक्टर्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद डिसाइड कीजिए इन्वेस्टमेंट करने का. तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट में. हाँ, सो किसी ने पूछा है कि नॉन लिक्विडिटी इन बुक्स का मतलब क्या होता है. तो दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है, अब मान लो कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, अगर आप बहुत सिंपल टर्म्स में बात करना चाहोगे. तो अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, तो एक शेयर बेचने वाला आता है, एक शेयर खरीदने वाला आता है. जब बेचने वाला बोलता है मुझे 50 पे बेचना है, खरीदने वाला 50 पे खरीदने को रेडी होता है, तो वहां पे एक ट्रेड हो जाता है. अब मान लो कि मार्केट में एक पर्टिकुलर शेयर को लेके बहुत पॉजिटिव न्यूज आया, तो नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला, तो ये शेयर में कोई बेचने वाला आया ही नहीं, क्योंकि उसको लगा कि ये शेयर आने वाले टाइम और ऊपर जाएगा, मैं इस पे बेचना नहीं चाहता. तो जब भी किसी भी स्टॉक का कोई बायर या सेलर नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि वहां पे लिक्विडिटी इश्यूज हैं. इसके अलावा मान लो कि कोई एक स्टॉक है जो बहुत कम ट्रेड होता है, तो वहां पे भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है. तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके पास इनफ बायर सेलर हैं कि नहीं. अगर वो इनफ होते हैं, तो लिक्विडिटी अच्छी होती है. अगर बायर और सेलर बहुत ज्यादा नहीं है, तो लिक्विडिटी अच्छी नहीं है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट में अमित जैन ने क्वेश्चन पूछा है. तो दोस्तों, डाउ जोन्स अमेरिका का इंडेक्स है. जैसे कि अगर मैं इंडिया के इंडेक्स की बात करूं, निफ्टी और सेंसेक्स है, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, वैसे ही डाउ जोन्स अमेरिका का एक इंडेक्स है जो बताता है कि अमेरिका की जो इक्विटी मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है. तो इंडिया में डाउ जोन्स काफी फेमस इसलिए माना जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अगर डाउ जोन्स ऊपर जाएगा, तो इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एवरेज बजाज फाइनेंस, तो अभी वो गिर के 20 के आसपास ट्रेड करता है, तो लोग सोच रहे हैं कि एवरेज करने के लिए कैसा टाइम है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते. तो यहाँ पे अगर आपको एवरेज करना है, तो आपका पर्सनल रिस्क है. अगर आपको लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. या आपका पर्सनल चॉइस है, आपका पर्सनल रिस्क है. लेकिन हम बिल्कुल भी कहीं पे नहीं बताते कि कुछ भी बाय कीजिए, सेल कीजिए. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो थोड़ा सा बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल देख लीजिए, उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देख लीजिए. इसके अलावा इसको अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कीजिए, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें नहीं. तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है और ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है. तो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड,
तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप क्यों करते हो? ताकि उसका शेयर प्राइस ऊपर जा सके। अब मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक साल पहले भी 100 रुपीज शेयर था और अभी भी 100 रुपीज शेयर है, तो क्या आपको लगता है कि वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं परफॉर्म किया? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि शेयर प्राइस तो ऊपर गया नहीं, तो ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, और इस सोर्स को हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, अब दोस्तों मान लो कि कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपीज, उस कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट अर्न किया 1000 रुपीज का, और उस 1000 रुपीज में से कंपनी ने 600 रुपीज का सोचा कि अपना जो कंपनी का एक्सपेंशन उसमें खर्चा करेंगे, लेकिन 400 रुपया कंपनी के पास बच गया। वो 400 रुपया अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग चाहते हैं कि उनको फिक्स इनकम मिलती रहे कुछ कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी चाहे कंपनी दे सकती है, अगर कंपनी नहीं चाहे तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। तो डिविडेंड यील्ड एक पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी ने कैसा डिविडेंड दिया। अब मान लो कि कंपनी का शेयर प्राइस है 100 का और कंपनी ने डिविडेंड दिया 5 रुपए का, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो गया 5%। तो ये 5 रुपए का जो डिविडेंड होता है, इसको हम एनुअल डिविडेंड बोलते हैं। एक साल में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया और अब इसका शेयर प्राइस कितना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था आस्क ग्रो को लेके, जिसमें हमने सोचा कि आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाए और आपका क्वेश्चंस का हम किसी ना किसी तरीके से आंसर करें, ताकि आपके तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आने वाले टाइम में हम ऐसे और सेशंस करते रहेंगे, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकें। होप करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत से क्वेरीज आपके आंसर किए गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, तो आप #askgrow लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि सब तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी कभी भी आती है, तो #askgrow लिख के हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे कि आपके हर क्वेरी का बहुत डिटेल में आंसर करें। थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।